मैत्री ने सही समय पर पहुंचकर बचाई हर्ष की जान। जी हाँ दोस्तों, टीवीसीएल मैत्री के एपिसोड में आप देखेंगे जब मैत्री हर्ष को लेकर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी रुक नहीं पाती। तभी गाड़ी के सामने माँ बेटी आ जाती है, जिन्हें बचाने के चक्कर में मैत्री को भी चोट लग जाती है। उसी वक्त मैत्री की गाड़ी भी खराब हो जाती है। मैत्री लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। मैत्री के पास डॉक्टर का भी फोन आता है कि जल्दी से जल्दी हर्ष को लेकर आओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ देर के बाद मैत्री को मदद मिल जाती है, जिसके कारण वो हर्ष को अस्पताल में पहुंचा देती है। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर जो है हर्ष को बचाने से इनकार कर देते हैं। तभी मैत्री भगवान जी से प्रार्थना करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी मैत्री की प्रार्थना जो है स्वीकार हो जाती है। हर्ष को कुछ देर के बाद होश आ जाता है। हर्ष मैत्री को अपने पास बुलाकर ये कहता है कि तुम मेरी मॉम से कुछ भी नहीं कहोगी, उन्होंने जो भी किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। जिसके बाद मैत्री हर्ष की हाँ में हाँ मिला देती है। तो उधर कामनाथ जिस कमरे में आशीष और नंदू होते हैं, वहाँ पर आग लगा देती है, जिसमें आशीष को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे बचे। तभी आशीष जो है नंदू को बचाने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन नंदू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही बाहर जाऊंगी। इसके बाद आशीष जो है नंदू को जबरदस्ती करके वहाँ से बाहर निकाल देता है और खुद वहीं पर फंसा रह जाता है। नंदू के बाहर आते ही कामना उसे फिर से बांध देती है और नंदू से मैत्री को कॉल लगवाती है, जिसके बाद मैत्री अपने घर पर आ जाती है। मैत्री नंदू को बंधा हुआ देखकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कामना उसे मना कर देती है। तभी मैत्री कामना को कहती है कि आप सब ये क्यों कर रही है। तभी कामना मैत्री को कहती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैत्री कामना को कहती है कि आज मैंने मेरे पति को तो बचा लिया, लेकिन आपने अपने बेटे को खो दिया। कामना ये सुनकर बैठकर रोने लगती है। तभी मैत्री नंदू का जैसे ही मुंह खोलती है, नंदू बताती है कि तुम आशीष को बचा लो। मैत्री आशीष के पास जाने ही वाली होती है कि उसे बहुत जोरों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या आशीष की जान बच पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।